हेलो किड्स, मैं शबीना और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। आज की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को ना तो कभी घमंड करना चाहिए और हमेशा खुश रहकर अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी खुले दिल से तारीफ करना चाहिए। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक घमंडी कौवा और हंस की कहानी। एक समुद्र तट के किनारे पेड़ पर कौवा रहता था। कौवा हमेशा ये सोचता था कि उससे अच्छा संसार में कोई नहीं है, वो अच्छी उड़ान भर सकता है, इसलिए वो अपनी डाल पे बैठ के और काँव काँव चिल्लाता रहता था। एक बार कहीं दूर से उड़ते हुए हंस वहाँ आए और वहाँ किनारे तट पर बैठकर सुस्ता रहे थे। हंस बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हुए आए कौवे ने देखा। कौवे को ये लगा कि अरे मैं तो इनसे अच्छा उड़ सकता हूँ। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे, उन्होंने हंसों को देखा। वे लोग हंस की तारीफ़ करने लगे कि हंस अच्छे होते हैं, हंस ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं, हंस सुंदर होते हैं। कौवे को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो समझता था कि मैं संसार का सबसे अच्छा पक्षी हूँ। वो वहाँ से पेड़ पे बैठ के चिल्लाने लगा कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता है और मैं आप लोगों से अच्छा हूँ, मैं आप लोगों से बेहतर हूँ। हंसों ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो इंसान अच्छे होते हैं वो किसी की बातों को सुने बिना अपना अच्छा काम हमेशा करते रहते हैं। एक बुजुर्ग हंस को जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, ठीक है आप सबसे अच्छे हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है, पर ये बात बार बार बोलने की तो है नहीं। कौवे को फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कहता रहा कि ऐसा करो, एक प्रतियोगिता करते हैं और हम देखते हैं मैं आपसे श्रेष्ठ साबित हो जाऊँगा। बुजुर्ग ने मना कर दिया। बुजुर्ग हंस बोला, नहीं हमको कोई प्रतियोगिता नहीं करवानी। जब कौवा बार बार ये बात बोलने लगा तो एक जो नौजवान हंस था उसने कहा, ठीक है एक प्रतियोगिता करते हैं, हम ऊंची उड़ान भरने की प्रतियोगिता करते हैं, हम में से जो जीतेगा तो माना जाएगा कि वो बहुत अच्छा है। कौवा तैयार हो गया, हंस उड़ान भरने लगा, कौवा भी उड़ान भरने लगा। कौवा नया नया जोश था, खूब तेज तेज उड़ रहा था, कलाबाजी ये खा रहा था, पर हंस अपने स्वभाव के अनुसार शांत और चुपचाप उड़ता जा रहा था। कौवा उसके आसपास गोल गोल घूमता था और वो ये बोलता था, क्या सीधी उड़ान भरना ही तुम प्रतियोगिता का हिस्सा समझते हो? हंस कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप उड़ता रहा। वो उड़ते उड़ते समुद्र के ऊपर उड़ने लगा। अब तट से ये लोग बहुत दूर आ गए और बीच समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। कौवा बड़बड़ाता रहा, इससे क्या हुआ, उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी, उड़ान भरने लगा, हंस चुपचाप अपना उड़ता रहा। थोड़ी देर बाद कौवा थक गया तो वो नीचे गिरने लगा। वो गिरता था, पानी के पास जाता था, फिर उड़ान भरता था। हंस समझ गया कि कौवा अब थक गया है और कौवे को अब उड़ा नहीं जा रहा है, पर हंस अनजान बना रहा, वो चुपचाप अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। आखिर में कौवा थक गया, उसने कहा, हंस भैया मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी जो मैंने ये कहा कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, आप वाकई श्रेष्ठ हो। हंस ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोला, मैं आपकी तरह उड़ान नहीं भर सकता, आप मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊँगा। हंस को दया आ गई, हंस ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और वापस अपने समूह की तरफ चल दिया। वो अपने समूह के पास आके उतरा और उसने उस बुजुर्ग हंस ने कहा, हर व्यक्ति, हर पशु, हर पक्षी अपने आप में श्रेष्ठ होता है, जिसको जो कार्य दिया है वो अपना कार्य करता रहे, आप अपने काम में श्रेष्ठ हो, हम अपने काम में श्रेष्ठ हैं, आप खुश होकर उन लोगों की तारीफ करो। आपको हंस की तारीफ करना चाहिए थी, क्योंकि सब लोग ये मानते हैं कि हंस सुंदर, श्रेष्ठ और आपसे ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, आपके कार्यों की आपकी प्रशंसा होती। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आप भी हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और जो अच्छा काम करता है उसके दिल खोलकर तारीफ करें। कभी भी आपको घमंड नहीं करना है। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।